मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद नूर, वेलकम टू नसीम मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के इंग्लिश का यूनिट नंबर 1, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की शिफात करने वाले, इंसानियत की बख्शिश करवाने वाले या इंसानियत को बचाने वाले, इसको ये भी कहा जाता है कि इंसानियत के निजात दहिंदा। ठीक है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसके वर्ड्स मीनिंग को भी देखेंगे, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, वो वाले सिनोनिम्स जो आपके बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं, ये वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ये पार्ट वन है हमारा और इसमें हमने पैरा नंबर 1 to पैरा नंबर 3 डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं कि प्री रीडिंग्स क्या है। पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्री रीडिंग के तौर पर आती हैं। मैंशन द कंडीशन ऑफ द अरेबिया बिफोर द इस्लाम, इस्लाम से कबल अरब के हालात का तज़करा हम इसमें करेंगे। उसके बाद हाउ डिड इस्लाम का चेंज द लीव्स ऑफ द पीपल, इस्लाम ने किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील किया। इसके साथ ही हु इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के आखिरी पाक पैगंबर कौन है। तो ये सारी की सारी हम चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताया चलें कि वो यार एन एस मेंटोर और इस चैनल पर हम आपको 9th, 10th, 1st, 2nd की इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे। तो अगर आप भी अपने एकेडमिक सक्सेस को चेज करना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आपको बासानी मिलती रहे। तो बिना टाइम को वेस्ट के चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ। जी, पैराग्राफ नंबर 1 है, इसमें पहले हम पैरा आपको पढ़ के दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम इसके वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स बताएंगे, उसके बाद फिर हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरल चार्म एंड ब्यूटी। देखिए, ब्यूटी के बाद क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, कोमा लगा हुआ, यानी कि आरजी ठहराओ, कोमा जहाँ पे लगता है आरजी ठहराओ वहाँ पे हुआ है। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ सैंड ड्यूज डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, एंड में क्या लगा, फुल स्टॉप, इसका मतलब क्या, वो बात कंप्लीट हो गई। इट्स स्टेरस स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ द पोइट्स एंड द ट्रैवलर्स। इट वॉज इन दिस लैंड दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बोर्न, आरजी ठहराओ, इन द सिटी ऑफ मक्का, फिर कोमा आरजी ठहराओ, विच इज़ अबाउट 50 miles फ्रॉम द रेड सी। ठीक है, अब हम इसकी वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। अनपैरल का मतलब होता है बेमिसाल, ठीक है, और इसका जो सिनोनियम बनेगा वो बनता है मैचलेस, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ पहले। चार्म कहते हैं दिलकशी और ब्यूटी इसका सिनोनियम बन जाएगा। ट्रैकलेस बेनाम विदाउट ट्रैक, ये भी आया हुआ है। ठीक है, ड्यून्स टीले माउंट एंड रिजिड, उसके बाद डेजलिंग तेज चमकती हुई ब्राइट, ये भी आपका 5 साल पेपरों में आया हुआ है। उसके बाद ट्रॉपिकल कहते हैं गर्म, वेरी हॉट, और इमेजिनेशन तसव्वुर ख्याल क्रिएटिव थॉट, ये भी आया हुआ है आपका। ठीक है, ट्रैवलर्स कहते हैं मुसाफिर, विजिटर को भी बोला जाता है, और रेड सी बहर अहमर, ये समंदर है जो सऊदी अरब और सूडान के मिड में पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। दहकते सूरज की चमकदार शुआओं में रेत के टीलों वाले गुमनाम सहराओं के साथ अरब की सरजमीन बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की हामिल है। इसका सितारों भरा आसमान शायरों और सयाहों के तखय्युल की हौसला अफजाई कर चुका है। यही वो सरजमीन है जिसके शहर मक्का में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, जो कि बहर अहमर से तकरीबन 50 मील दूर था। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसका एमसीक्यूज भी आ जाता है। ठीक है, कि कितने मील दूर था, तो आपने बताना 50 मील या 50 मील दूर था। ठीक है, इस तरह से ये पहला पहला कवर हुआ। अब हम चलते हैं सेकेंड पहले की तरफ। जी, द अरब पोजेस अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एलोकेंट पीपल, देयर एलोकेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। Every year a fair was held for poetical competition at Akaz. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid. अब देखिए, यहाँ पे inverted commas, कोसें जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। ये क्या है, देखिए वो कहता है I can recite you for each letter of the alphabet. फिर क्या लगा, कोमा लगा, 100 long poems, फिर कोमा लगा, without taking into account short pieces, फिर कोमा लगा, and all of that the composed exclusively by the poets before the promulgation of the Islam. यहाँ पर full stop भी लगा और inverted commas की जो end दो थी ना, ये कोसें। अच्छा, inverted commas जब किसी शख्स की कहीं भी बात को as it is बयान करना हो तो अब inverted commas का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कोमा मैंने आपको बताया आरजी ठहराव के लिए होता है, और इसके साथ अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो समझ लो बात हमारी ख़त्म हो गई। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चूज द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ल्ड। ठीक है, पोजेस का मतलब होता है मलकियत होना या मालिक होना। ठीक है, ऑन या हैव इसका सिनोनिम बन जाएगा। रिमार्केबल हैरान कुन, अमेजिंग, एलोकेंट खुश बयान, फ्लुएंट खुश, जो अच्छे से बात करते हैं उनको खुश बयान कहते हैं। एक्सप्रेशन कहते हैं तासुर इजहार, स्टेटमेंट। कंपटिशन कहते हैं मुकाबला, मैच या टूर्नामेंट। नरेटेड कहते हैं बयान करना, से टल। एक्सक्लूसिवली मुकम्मल तौर पर, फुली कम्प्लीटली।
प्रोमल्गेशन कहते हैं तशहीर कानून, यानी किसी कानून का ओपनली प्रचार कर देना, सब पे लागू कर देना, इसका बनेगा जी सेपरेट और प्रोमल्गेशन, ठीक है। उसके बाद डिस्पेंशन कहते हैं अशआत करना, डिस्चार्ज और एप्लीकेशन इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आपने तैयार करना है मेरा बेटा, ठीक है। अरब के लोग बड़ी शानदार याददाश्त के मालिक थे और वो बड़े खुश गुफ्तार लोग थे। उनकी खुश गुफ्तारी और याददाश्त का तासुर उनकी शायरी से मिलता था। हर साल अकास के मौके पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुंतकिद होता था। एक रिवायत के मुताबिक हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, देखें यहाँ पे कोसे शुरू हो गई, उर्दू में कोसे बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास, मैं आपको हरूफ तहजी के हर हर्फ के लिए बग़ैर छोटे टुकड़ों के 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ जो अशात इस्लाम से पहले महज शायरों ने लिखी थी। फिर एंड आ गया उसका इन्वर्टेड कॉमास का, ठीक है। यानी कि भाई मैं जैसे हरूफ तहजी होती है उसको बग़ैर काउंट किए मैं आपको 100 से ज़्यादा नज़में सुना सकता हूँ जो इस्लाम से पहले के जो शायर थे उन्होंने लिखी थी। और ये कोई मामूली मौजा नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने हतमी पैगाम को फैलाने और अपने कलाम यानी कि कुरान पाक की को महफूज करने के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। तो हमें पता है कि कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ है, बाकी दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें हैं वो तब्दील हो सकती हैं, उनमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट अरबी में कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम को हम तक अरबी ज़ुबान में ही नाजिल फरमाया। इस तरह से ये हमारा सेकेंड पैरा हो गया। मूव करते हैं थर्ड पैरा की तरफ। इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज आज ठहराओ मैन मैनकाइंड स्टूड ऑन द विच ऑफ द कॉज इफ इट सीम दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर टू ग्रो हैड स्टार्टेड कमलिंग एट दिस पॉइंट इन द टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज द रसूल अमंग देमसेल्फ टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इन टू द फेथ लाइट ऑफ फेथ, ठीक है। मैनकाइंड कहते हैं इंसानियत को ह्यूमैनिटी, ठीक है। विर्च कहते हैं किनारा एज बॉर्डर, ये आया हुआ कई दफ़ा, ठीक है। कॉज कहते हैं इंतशार कन्फ्यूजन और सिविलाइजेशन तहजीब कल्चर और ट्रेडिशन और क्रम्बलिंग कहते हैं बिखरना ब्रेक इंटू पीसीज एंड रेज कहते हैं भेजना या सेंड करना, ठीक है। पाँचवीं और छठी सदवी में इंसानियत तबाही के दाने पर खड़ी थी। ऐसा लगता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे अब वो बिखरना शुरू हो चुकी है, यानी कि पूरा का पूरा मुआशरा या पूरी की पूरी सोसाइटी ख़त्म होने जा रही है। इस नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने उन्हीं यानी कि लोगों में से एक नबी पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी में लाना था, जहालत से निकाल कर और ईमान की रोशनी में ले कर के आना था। और ये आपको बता दूँगा ये पैरा भी कई दफ़ा आपके बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो ये था जी हमारा पहला पार्ट 9th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसमें हमने आपको ट्रांसलेशन भी बताई, वर्ड्स मीनिंग भी बताए, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी बताए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।